हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकबाल सरज एकेडमी। आई होप यू गाइस आर फाइन। JKPSI 18th दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट आपका जो है ख़त्म हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं JKSSB के एग्जाम में आज के शिफ्ट में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, एंड जो नीचे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, सो यू गाइस डोंट मिस अ सिंगल अपडेट। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आपको जिन पर आपको बहुत सारा मटेरियल और अपडेट्स PDF टेस्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो शुरू कर दें आज का जो है सेशन, आज के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि बच्चों से सुना है इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है पेपर, सब स्टूडेंट्स कहाँ हैं, लगभग हमने 90 to 100 अटैम्प्ट यहाँ पे किए हैं। तो सीधे चलते आपको दिखाते हैं क्वेश्चन आज के। तो ये जो है JKPSI मॉर्निंग शिफ्ट 18th दिसंबर 2022 क्वेश्चन आस्कड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा बैटल हुआ था, उसके बारे में पूछा गया था। वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कौन सी की हम इस्तेमाल करते हैं। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैलरीज एंड अलाउंस टू मेंबर्स इन विच सेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो किस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आता है। उसके बाद हमसे पूछा गया था क्वेश्चंस में पूछा गया था विक्रमशाला इंस्टीट्यूट का जो है फाउंडर वो कौन था। फॉर ओल्ड एज पीपल कौन सा विजन जो है हम वहाँ पे यूज़ करते, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वाइट इंडियन मूवमेंट कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। लॉन्गेस्ट माउंटेन जो है वर्ल्ड में कौन सा है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एमएस वर्ल्ड में जो लैंडस्केप जो है पेज ओरिएंटेशन वो किस तरह होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ह्यूमन बर्ड कहाँ का है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया, ऐसा ही को क्वेश्चन है। एंड JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का 31 सेक्शन, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे RBI का जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नोबल प्राइज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नोबल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला है 2022 में। हेल फॉर्मलाइजेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कंडेंसेशन के बारे में आपसे पूछा MICR के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। डिफ्लेशन जो है, ये जो है शिफ्ट सेकंड में आपसे डिफ्लेशन सेकंड शिफ्ट के मैं आपसे अच्छा क्वेश्चन कुछ था। मदरबोर्ड की जो है डिफिनेशन वो क्या है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओजोन लेयर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। UTI का जो है वो मतलब दोबारा से वो नाम उसका क्या रखा गया है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हॉर्टिकल्चर का जो 2022 का प्रोडक्शन वो कितना हुआ था, 2022 का हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फंडामेंटल राइट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट प्रीएमेबल कंट्री जो है उसका जो है वो US में पड़ता है, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे। ये कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट की तरफ से अभी अभी हमारे पास आए हैं। हम शाम को मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अगर इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर गाइज।